चमार को बेटा को पकड़ने के लिए एसआईटी की टीम गठित किया गया है कि गोल्डन को किसी भी हाल में जिंदा चाहे मुर्दा गिरफ्तार करें। गोल्डन दास को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी की टीम गठित की है, लेकिन अपना कान को दोनों सुराख खोल के सुन ले, ये एसआईटी के भूत का भय दिखाना गोल्डन दास को बंद करे। ऐसा ऐसा एसआईटी से गोल्डन दास डरने पुलिस के खाता और पुलिस के बही जो लिख देगा वही सही, ये कहाँ के न्याय है। तो ऑलरेडी 58 केस गोल्डन दास पर पहले से 57 था, ये 58 हो गया है और 19 बार गोल्डन जेल गया है। और गोल्डन दास जो अगर एसआईटी के से अगर डर लगता तो गोल्डन दास कहीं छुपा हुआ रहता। गोल्डन दास पटना में खुलेआम घूम रहा है। गोल्डन दास जी आज किस उद्देश्य से आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सबसे पहले सभी पत्रकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस उद्देश्य से मैं पीसी बुलाया हूँ कि एक गौरी चक के निकू रविदास को हत्या के लेकर अब 2 साल से बहुत ज़्यादा वहाँ चमार के साथ शोषण जुल्म अत्याचार और हत्या हो रहा है। उसमें प्रशासन जो है न्याय देने में असफल रहा है, जिसका हमारे पास बहुत सारा सबूत है। उसी को लेकर हमने संवैधानिक तरीके से गौरी चक थाना पर हमने धरना प्रदर्शन किया और न्याय को मांग करने के लिए गया। वहाँ पर जो हत्यारा जो है वो जादव है, हत्या जिसका हुआ वो चमार है, और थाना अध्यक्ष जो है वो भी जादव है, और थाना अध्यक्ष अपना जात से दारू बिछवाना बालू बिछवाना खुलेआम गुंडागर्दी वहाँ करवा रहा था। तो हमको वहाँ पे गए सबूत के साथ लेकर, तो कृष्णा जादव पर भी FIR दर्ज मामला बन रहा था। तो हमारा मांग किसी ने नहीं सुना, तो हमने वहाँ पर संवैधानिक तरीके से अपना अधिकार के लिए धरना पर बैठ गया। कृष्ण यादव को लगा कि अब तो हम पर FIR होगा, अब कैसे बचे भाई। तो कृष्णा यादव और दारू माफिया और बालू माफिया अपना गुंडों को बुलाया और जितने भी दलित समाज के वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता न्यायप्रिय कार्यकर्ता थे सभी पर पथराव करवाया, लाठीचार्ज करवाया, जिसमें कृष्ण यादव के गुंडा से ही प्रशासन को किसी को हल्का सर छिला गया, किसी को हाथ छिला गया, किसी को पैर छिला गया, और उसी के आरोप लगाकर 5 चमार जाति को जेल भेज दिया गया झूठा केस बना के। ठीक है, 5 चमार जाति पर आपने FIR किया, तो चमार जाति के भी एक कृष्णा राम को मार के सर फाड़ दिया गया जिसमें 10+ टाका पड़ा है। चमार जाति के बेटी बहन को हाथ टूट गया है, किसी चमार के बच्चा को छोटा छोटा को पैर टूट गया है, इसका FIR कौन करेगा? क्या अमेरिका के बराक ओबामा आएंगे या अमेरिका के पुलिस आएंगे? और उसी के आरोप में गोल्डन दास को गिरफ्तार करने के लिए SSP जातिवाद जो राजीव मिश्रा जो पटना के वर्तमान में है, गुप्तचर द्वारा पता चला कि SID की टीम बैठी। तो हाँ, गोल्डन दास को जी चमार को बेटा को पकड़ने के लिए SID की टीम गठित किया गया है कि गोल्डन को किसी भी हाल में जिंदा चाहे मुर्दा गिरफ्तार करें। चमार के बेटा आप क्या कह रहे हैं, जो अपराधी होता है उसके लिए तो गिरफ्तार करने के लिए SID की टीम गठित हो गया? अपराधी क्या, मैं किसी का रेप किया हूँ, मैं किसी की हत्या किया हूँ, मैं कहीं बैंक डकैती किया हूँ? अगर चमार को अगर कोई पीट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और चमार जब अधिकार के बात करते हैं, हक के बात करते हैं, न्याय के लिए धरना प्रदर्शन पर आ जाए तो दंगा हो कहा जा रहा है? और जब SSP राजीव मिश्रा जब ये हैं, ये SSP नहीं है, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लठैत है। लठैत है जी बिल्कुल, इसलिए कि पूरे बिहार में नालंदा जिला में एक चौधरी के लड़की को रेप करके उसको हत्या कर दिया गया, उसमें SID की टीम गठित आपका क्यों नहीं हुआ? नालंदा जिला में एक चमार को बच्चा को हत्या किया गया, उसमें आपका SID की टीम गठित क्यों नहीं हुआ? बख्तियारपुर थाना के अंतर्गत एक चमार के बच्चा को अपहरण करके अभी तक कायम किया हुआ है, वो जिंदा है कि मर गया अभी तक किसी क्लियर नहीं हुआ, उसमें आपका SID की टीम गठित क्यों नहीं? गौरीचक थाना अंतर्गत मिकू रविदास की हत्या हुआ, उसमें आपका SID की टीम गठित क्यों नहीं? आदित्य कुमार भी चमार के बच्चा थे और SSP थे, सीनियर IPS थे, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए SID की टीम गठित किया गया, लेकिन IG अमित लोढ़ा जो फॉरवर्ड जाति के हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए 17/22 में आपका SID की टीम गठित क्यों नहीं हो रहा है? सेम उसी तरह चमार के बेटा को गोल्डन दास को गिरफ्तार करने के लिए भ्रष्ट राजीव मिश्रा जातिवाद जाति जो है जो मुंहचोर जो है राजीव मिश्रा गोल्डन दास को गिरफ्तार करने के लिए SID की टीम गठित किया, लेकिन अपना कान को दोनों सुराख खोल कर सुन ले, ये SID के भूत का भय दिखाना गोल्डन दास को बंद करे। ऐसा ऐसा SID से गोल्डन दास डरने वाला नहीं है, क्योंकि मैं चमार के बच्चा हूँ और सच्चाई के लिए चमार के बच्चा हूँ, और चमार चमड़ा छोड़ाना भी जानता है और चमड़ा के जूता बनाना भी जानता है, और जरूरत पड़ने पर संविधान वाला चमड़ा के जूता राजीव मिश्रा के SSP के सर पर बजाना भी जानता है। इसलिए अब न्याय के कुर्सी पर बैठे हैं और सभी को एक समान न्याय दें, न कि जात को देखकर फंसाना और जात को देखकर बचाना, ये बंद करें।
बिल्कुल कर रही है ना। गोल्डन दास को पकड़ने के लिए आपका एसआईटी की टीम गठित हो गया, और चमार की बेटी के रेप हो रहा है, चमार के बेटा की हत्या हो रहा है, तो उसमें आपका एसआईटी की टीम गठित क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर साफ से क्यों सुन ले रहा है? और बात रहा गौरीचा का मामला, तो एक जात का मराने वाला चमार और मारने वाला जादव, और राजीव मिश्रा जो है वो ब्राह्मण जात के हैं, तो राजीव मिश्रा क्या जा रहा है? राजीव मिश्रा का तो और मजा मिल रहा है। कैसे मजा मिलेगा राजीव मिश्रा? जब मजा नहीं मिल रहा, तो दो साल से जो विवाद हो रहा है, अभी तक राजीव मिश्रा उस पर एक्शन लेकर उस मामला को शांत क्यों नहीं कर? जहाँ शेड्यूल कास्ट 100 घर उजड़ने का कगार पर है, उस जहाँ शेड्यूल कास्ट असुरक्षित महसूस कर रहा है, वहाँ पुलिस चौकी क्यों नहीं खुलवा? यानी कि दलितों पर बलात्कार और हत्या राजीव मिश्रा खुलकर खुलेआम करवा रहे हैं। गोल्डेन जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आपने थाना पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो है घायल हुए हैं, ऐसे में पुलिसकर्मी आपके लिए एसआईटी टीम गठन ना करे तो क्या करे? देखिए, पुलिस के जो है पुलिस के खाता और पुलिस के बही, जो लिख देगा वही सही, ये कहाँ का न्याय है भाई? पुलिस के खाता था, पुलिस के बही था, वो जो लिख दिया वही सब मान रहा है सही। तो चमार के भी बेटी को यदि सर फाड़ा गया, चमार के बेटी को कपड़ा फाड़ा गया पुलिस के द्वारा, चमार के बेटा को कृष्ण राम को सर फाड़ा गया, उसमें एफआईआर कौन करेगा? क्या आप मानते हैं कि आपके द्वारा जो पथराव हुआ उसे पुलिस को चोट आई? देखिए, हमारे तरफ से ना पथराव हुआ है ना कोई किया है। तो कौन पथराव? ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पता कर लीजिए कि वहाँ के जो जाति के थाना अध्यक्ष है वही जाति के वहाँ खुलेआम दारू माफिया बालू माफिया है, और अपना बचने के लिए और धरना प्रदर्शन मेरा तभी खत्म होता जब वरीय पदाधिकारी आते, और वरीय पदाधिकारी आते तो कृष्ण कुमार को पक्का बर्खास्त कर दिया जाता। तो अपने पर कार्रवाई से बचने के लिए अपना जाति के गुंडों के द्वारा दलित समाज पर पथराव करवाया गया। तो जो एसआईटी टीम गठन हुआ है आपको पकड़ने के लिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे किसी तरह का डर नहीं लगता, इसलिए कि ऑलरेडी 58 केस गोल्डन दास पर पहले से 57 था, ये 58 हो गया है, और 19 पर गोल्डन जेल गया है। और गोल्डन दास जो अगर एसआईटी के से अगर डर लगता तो गोल्डन दास कहीं छुपा हुआ रहता। गोल्डन दास पटना में खुलेआम घूम रहा है, कल भी राजीव मिश्रा एसएसपी का कार्यालय के मैं से गुजरा हूँ 2-3 बार, क्यों नहीं मुझे पुलिस पकड़ लिया? ये गोल्डन दास को पकड़ने के लिए एसआईटी की टीम गठित नहीं किया गया है, या दलितों को सामाजिक कार्यकर्ता के दिल में दहशत बैठाने फैलाने के लिए एसआईटी की टीम गठित किया गया है, जो कि गोल्डन दास डरने वाला नहीं। बिल्कुल नहीं, गोल्डन दास पहले 19 बार जेल गया, मैं कह रहा हूँ ना, और 57 के स्थान 58 केस हो गया, 20 बार जेल चला जाएगा। और गोल्डन दास को एसआईटी की टीम नहीं, ये अमेरिका की पुलिस बुला ले। गोल्डन दास अगर गलत है तो कोर्ट में समर्पित कर देगा। इतने सारे मुकदमे गोल्डन दास पे किन धाराओं, मतलब किन? देखिए, जो भी समाज से लड़ाई लड़ने का काम किया है उस पर झूठा एफआईआर दर्ज किया गया है। जी, सामाजिक को लेकर चंद्रशेखर भैया जो हमारे हैं, जो अभी जो पूरी इंडिया के जो शेर हैं, जो 85% के शान हैं, उन पर भी 103 मुकदमा किया गया है, वो कहां तक सही है? कन्हैया कुमार वो भी फॉरवर्ड जाति से हैं, मीडिया महोदय एक सेकंड, कन्हैया कुमार वो भी फॉरवर्ड समाज से हैं, उन पर भी देशद्रोह के मामला बनाया गया था, क्या वो सही था? अगर सही होता तो उनको सजा नहीं होता? राहुल गांधी को भी झूठा मुकदमा करके उनको यदि सदस्यता तो रद्द कर दिया गया, तो हम तो एक चमार के बच्चा ठहरे, हमारा क्या औकात है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पर झूठा केस हो जा रहा है, प्रधानमंत्री के बेटा पर झूठा केस हो जा रहा है, चमार के सीनियर आईएसआईएस पर एफआईआर हो जा रहा है, तो गोल्डन दास केस किस खेत का मूल्य? लेकिन ये झूठा केस करना बंद करे, मैं बहुत जल्द बिहार सरकार को, बिहार प्रशासन को ईट सीट बजाने का काम करूंगा। मैं पूरे गाँव में, पूरे शहर में, 38 जिला में और अंतर्राज्यीय में भी मैं दलित समाज के बैठक कर रहा हूँ, एकत्रित कर रहा हूँ, और लाखों लाख को लेकर मैं रोड पर जिस दिन उतरूंगा और उस आंदोलन में किसी भी तरह के दलित समाज के क्षति नुकसान होगी, देवभ्रष्ट जातिवाद राजीव मिश्रा एसएसपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जातिवाद तेजस्वी यादव। आपको पकड़ने के लिए एसआईटी जो टीम की गठन किया गया है, इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? राजीव मिश्रा एसएसपी का, कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है? पॉलिटिशियन इसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी, इसलिए कि खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, चमार पर शोषण जुल्म अत्याचार करवा रहे हैं। अगर एसएसपी टाइट होगा तो चमार की बेटी को पेशाब नहीं पिलाया जाता मुस्लिमपुर में। अगर राजीव मिश्रा टाइट होता तो खुसरूपुर में चमार के बच्चा के गोली नहीं मार दिया जाता, ये हो गया फरन नहीं कर लिया जाता। अगर राजीव मिश्रा अगर टाइट होता तो गौरीचक में आज 2 साल से बराबर हत्या और रेप नहीं होता। आपको कहना है कि संरक्षण हो रहा है नीतीश और तेजस्वी यादव को? जी बिल्कुल, अगर नहीं हो रहा है तो नीतीश तेजस्वी क्यों नहीं अपना संज्ञान में लेकर अपना स्तर से इस मामलों की जांच करवा ले रहे हैं? आयोग उनका है ना, आयोग में भी सब नीतीश और तेजस्वी के सब दलाल बैठे हुए हैं, कोई जदयू के विधायक रह चुके हैं, कोई राजद के विधायक रह चुके हैं, तो उसको भेज कर इस मामले को जांच करवा ले।
थाना पर पथराव हुआ तो उसका वीडियो है ना, वीडियो में जो पत्थर चला रहा है, जो दोषी उसको कार्रवाई कीजिए, जो निर्दोष उसको बरी कीजिए। लेकिन थाना के तो है खाता और थाने के है बही, वो जो लिख दिया वही सम्मान रहा सही। तो क्या गोल्डन दास जो है अब डर जाएंगे, क्या सामाजिक क्रांति नहीं करेंगे? गोल्डन दास ना कभी डरा है ना डरेगा। गोल्डन दास जेल से तो छोड़िए ना, फांसी से भी नहीं डरेगा। बिहार में बहुत सारे दलित नेता हैं, उनकी पार्टी, उनके संगठन है, गोल्डन दास को इतना क्यों जरूरी है? देखिए अभी बात उस मुद्दा के उस बिंदु पर नहीं किया जाए, बात यहाँ हमारे समाज पर शोषण, जुर्म, अत्याचार, बलात्कार और हत्या जो हो रहा है उसको रोकने का बात किया जाए। तो इस जो टीम को लेकर आप कहाँ तक जाएंगे गोल्डन दास जी, जो गठन हुआ है आपको पकड़ने के लिए? आपको पता है ना कि हमारे बाबा साहब संवैधानिक अधिकार दिए हैं कि अधिकार कोई दे नहीं रहता तो तुम छीन लो। तो अगर सरकार के साथ अगर भ्रष्ट पुलिस है तो गोल्डन के साथ भी लाखों लाख जनता है। मैं बहुत जल्द मैं रोड पर एकाध सप्ताह के अंदर उतारूंगा और इस केस को फोल्स करके और कृष्ण यादव को और राजीव मिश्रा को नंगा करके मैं कार्रवाई करवाने का।